आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉस्फेट और आईजीबीटी की टेस्टिंग को, और इस टेस्टिंग के लिए जो ऐसे हमारे जो इक्विपमेंट हैं या जो भी कंपोनेंट हैं, जो भी एसएमडी लेवल के या और भी जो लेटेस्ट इस समय अपग्रेडेड कंपोनेंट हैं, उनको उनके टेस्टिंग के लिए हमको जो हमारे मेजरमेंट टूल्स होते हैं उनको भी अपग्रेड हमको करना चाहिए। इसलिए कि जैसे यहाँ पर देखें, हमने जो है इस मल्टीमीटर से अभी मॉस्फेट और आईजीबीटी को चेक करके दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस है, कि इसमें जो है मॉस्फेट चेक किया जा सकता है, आईजीबीटी नहीं चेक किया जा सकता, क्यों कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसे डायोड के मोड पे रख करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब ये हो गया हमारा डायोड के मोड पे, ठीक है। अब इस समय हम एक मॉस्फेट लेंगे और इस मॉस्फेट का नंबर है 10N65। ये है सोर्स, ये है ड्रेन, ये है गेट, यानी इस साइड में हमारा जो लेफ्ट है ये है बेस, अरे सॉरी गेट, यहाँ पर देखेंगे तो ये है इसका सोर्स और बीच में है ड्रेन और यह है गेट, यानी लेफ्ट साइड में गेट हुआ और राइट साइड में सोर्स हुआ। अब सोर्स और ड्रेन को हम देखते हैं, बीच में हम रेड प्रॉब लगाते हैं और इधर राइट साइड में हम ब्लैक प्रॉब लगाते हैं, कोई भी रीडिंग नहीं शो किया। अब इसके बाद नेक्स्ट पलट लेते हैं, अब बीच में हम इसका ब्लैक वाला प्रॉब लगाते हैं ड्रेन पर और सोर्स पर हम जो है इसका रेड प्रॉब लगाते हैं। अब रीडिंग यहाँ पर शो किया है 0.502, यानी 0.502 शो किया है। अब इसको पलटते हैं तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग शो नहीं करता, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन में जहाँ पे रीडिंग नहीं शो है ऐसे हम इसको रहने देंगे। ये ब्लैक वाला प्रॉब लगा उठाकर हम यहाँ पे इसके गेट पे एक बार टच करेंगे, टच करने के बाद फिर सोर्स पर आ जाएंगे, कोई भी डिस्प्ले शो नहीं किया रीडिंग। फिर हम रेड प्रॉब को यहाँ पे गेट पे लगाएंगे और फिर लगाने के बाद फिर ड्रेन पे आ जाएंगे, देखिए जीरो शो किया। अब ये हमारा रेड जो है ये पॉजिटिव वोल्टेज है और ये है नेगेटिव। अभी हम दिखाते हैं इसको एनालॉग से चेक करके। एनालॉग में डिजिटल का उल्टा होता है, जैसे डिजिटल में पॉजिटिव के लिए रेड प्रॉब और ब्लैक के लिए नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या है, ब्लैक में पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है रेड में, कैसे देखिए यहाँ पे। ब्लैक वाला प्रॉब हम यहाँ पर पहले इसको टच करके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये बीच में हम रेड प्रॉब लगाते हैं और यहाँ पर मल्टीमीटर में देखें एक डायोड की रीडिंग शो की। फिर इसे हम पलट लेते हैं, अब यहाँ पर देखें जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका उल्टा। अब इसको एनालॉग से चेक करते हैं तो हम यहाँ पे सोर्स पे इसका रेड प्रॉब और बीच में हम जो है इसका ब्लैक प्रॉब, कोई भी रीडिंग शो नहीं किया। इसको हम पलट लेते हैं, अब यहाँ बीच में रेड प्रॉब और यहाँ पे जो है ब्लैक प्रॉब, एक डायोड की रीडिंग शो की, ठीक है। अब इसको हम पलट लेते हैं और फिर यहाँ पर देखते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं की। अब इसमें ये नेगेटिव है, इसको हम गेट पे टच करते हैं, फिर यहाँ सोर्स पे लाते हैं, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया निडल। लेकिन इसको हम अगर ब्लैक प्रॉब को यहाँ पे लगाते हैं गेट पे और फिर यहाँ पर ड्रेन पे लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे मॉस्फेट ऑन हो गया। फिर ये जो है लगाए और फिर यहाँ पर देखिए मॉस्फेट ऑन हो गया, फिर इसको नेगेटिव से यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, आप हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं आईजीबीटी पे, आईजीबीटी को चेक करते हैं यहाँ पे इससे। अब यहाँ पे ये है इसका एमीटर और ये है इसका कलेक्टर, ये है गेट, ये है आईजीबीटी का सिंबल।
अब इसमें देखिए, हम यहाँ पे पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ पे डिजिटल का ये प्रॉब है हमारे हाथ में, और ये है ब्लैक और ये है रेड, यानी ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे रखे, यानी ब्लैक को हम एमीटर पे और कलेक्टर पे रेड, कोई भी रीडिंग शो नहीं किया। इसके बाद हम पलट लेते हैं, पलट कर देखने पे यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है एक डायोड का जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये जो रीडिंग शो हो रही है डायोड का, ये 0.468 शो हो रहा है। अब इसको हम ऐसे पलट के जहाँ पे कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, अब इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए पॉजिटिव, यानी ये भी एन चैनल है, तो हम गेट पे इसको टच करते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ये ठीक से ऑन नहीं हुआ। फिर इसको पलट लेते हैं ऐसे, फिर इसको ऐसे, अब यही रीडिंग हम आपको यहाँ पर, यहाँ 10K के रेंज पे ऐसे एनालॉग से, जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखिए एनालॉग पे ये अभी ऑन है, इसको ऑफ करते हैं। ये ऑफ हो गया। ठीक है, इसको 0 पे पहले हम सेट करते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ये डायोड की रीडिंग हुई, और यहाँ पे कोई भी रीडिंग शो नहीं किया, कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे मल्टीमीटर नहीं दे रहा है। अब इसका जो है ब्लैक प्रॉब यहाँ पे टच करेंगे, गेट पे टच कर दिया, फिर यहाँ पे कलेक्टर पे आ गए। देखिए यहाँ पे इसका यह रीडिंग देखिए जो शो हो रहा है डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसको पलट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग हुई है, अभी हम डिजिटल से इसको ऑन करते हैं। अभी कोई रीडिंग नहीं शो हो रहा है। अब इसको हम इस मल्टीमीटर के द्वारा ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ये देखिए, अब इसको इस साइड में रखते हैं और रेड प्रॉब से गेट पे टच करते हैं एक बार, फिर यहाँ पे अभी ये रीडिंग जो 2.969 अप डाउन होता जा रहा है, इसको दिखाते हैं इस एनालॉग के द्वारा। जैसे जब इससे ऑन किए थे तो ये हमारा निडिल जो यहाँ तक गया था, ठीक है, 1 ओम के आसपास यहाँ पे था, लेकिन इसको हमने इससे ऑन किया है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। और इसमें भी जो है इसकी डिजिट अप डाउन हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मल्टीमीटर का अगर यहाँ पर दिखा दे वोल्टेज, तो इस प्रॉब से जो वोल्टेज निकल रहा है, ये हम यहाँ पे इसका डिजिटल का ये प्रॉब यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पे जो है ये ब्लैक लगाते हैं। तो देखिए ये डिजिटल मल्टीमीटर में ये जो है शो हो रहा है 12.51, 12.5 वोल्ट। ठीक है, अब यही अगर हम इस मल्टीमीटर का वोल्टेज देखें, यानी जो डायोड के रेंज पे, तो हम इस एनालॉग से दिखाते हैं 10 वोल्ट के रेंज पे। इसको हम ऐसे करते हैं, फिर ये डायोड के रेंज पे कर लिए। अब हम इसके जो है रीडिंग लेंगे, ये है हमारा रेड प्रॉब क्योंकि वोल्टेज देख रहे हैं, तो ये है पॉजिटिव और ये है इसका यानी 4 वोल्ट से कम, 3.7 वोल्ट शो हो रहा है यहाँ पे। यानी इसमें 2 सेल यूज किए गए हैं, और इसमें एक 9 वोल्ट का सेल यूज है और एक 2 और सेल यूज हैं, तो दोनों हो गए, दोनों सेल मिलके 3 वोल्ट,
और 9 वोल्ट का एक बैटरी यूज है, तो दोनों जोड़ के जो वोल्टेज यहाँ पे अभी शो हुआ है 12 वोल्ट इस रेंज पे, यानी X10 के, तो ये जो है, सॉरी X बोल दी, ये 10K के रेंज पे, तो इसमें क्या है कि ये जो है 12 वोल्ट हुआ, यानी दोनों सेल का वोल्टेज और प्लस बैटरी का वोल्टेज जोड़ के। तो इस समय अगर आपको कोई भी मल्टीमीटर, अगर IGBT, क्योंकि इस समय IGBT आपको बहुत ही ऐसे ऐसे जगह पे यूज हैं कि उनको चेक करने की जो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको ये देख कर लेना होगा कि मल्टीमीटर में वो सुविधा हो, और उसका जो मेन पहचान है, जैसे यहाँ पर देखें एनालॉग लेना हो तो एनालॉग में 2 सेल प्लस 9 वोल्ट बैटरी, और इसका मॉडल नंबर है MTQ890, ठीक है, ये मेट्रो क्यू के नाम से आता है। फिर दूसरा मल्टीमीटर है डिजिटल में, ये सनसाइन का है DT17, यानी 17, DT17 मल्टीमीटर। इसमें जो बैटरी यूज़ किया गया है वो एक बैटरी यूज़ किया गया है 9 वोल्ट का, ठीक है। लेकिन एक मल्टीमीटर और है जो कि स्मार्ट मल्टीमीटर है, ये है, इसका जो मॉडल नंबर है KM601। इसमें जो यूज है वो 3 सेल यूज किए गए हैं, यानी ये जो 3 3 वोल्ट के 3 सेल यूज किए गए हैं, तो टोटल वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट। तो इससे भी IGBT चेक कर सकते हैं, इससे भी IGBT चेक कर सकते हैं। इसको हमने देखा है और इसको भी हमने देखा है, और भी मल्टीमीटर हैं जो जो डबल सेल पे हैं उस पे IGBT चेक करने में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसलिए जब भी मल्टीमीटर खरीदें तो ये चीज़ें देख कर खरीदें कि जो उसमें बैटरी यूज हो रही है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो 3 वोल्ट से अधिक होना चाहिए, तब हमारी IGBT ठीक ढंग से चेक हो पाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।